हेलो, नमस्कार जी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पूरी और जीरा आलू। तो मैंने आटा यहाँ पे छान रखा है और उसमें डाली मैंने अजवाइन। आप सब कैसे हैं मुझे बताइएगा। और डाले मैंने नमक 3 छोटे चम्मच, आप सब कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। आशा करती हूँ कि सब ठीक ही होंगे और अपने घर पर ही होंगे। ये देखिए, और आजकल क्या क्या कर रहे हैं सारे अपने अपने घर में। लॉकडाउन की वजह से सब लोग बाउंड हो गए हैं अपने अपने घर में और सबसे ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो रहा है क्योंकि बच्चे घर में भी अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं और ना ही होमवर्क अच्छे से कर पा रहे हैं। अब डाली मैंने इसमें कस्तूरी मेथी, ये देखिए, कस्तूरी मेथी का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी, तो मैंने इसलिए डाल दी इसमें अजवाइन, नमक, कस्तूरी मेथी। और आटा सिंपल ही है मेरा, अपने घर का कणक का आटा, मतलब मैदा नहीं है। इसमें ना थोड़े थोड़े वो था, लंबे लंबे से वो थे तो मैंने इसको थोड़ा छांट के डाला कस्तूरी मेथी। अब करूँगी मैं इसमें मिक्स तेल, तो मैंने ऐसे आइडिया से ही डाल दिया था। और इसको अच्छे से मिला के पूरा तेल और वो आटे अजवाइन नमक पूरा आटे में मिक्स हो जाए अच्छे से। देखिए इस तरह से, गांठें नहीं रहनी चाहिए आटे की, पूरा मैंने इसको अच्छे से दोनों हाथों से मिक्स कर लिया। आज संक्रांत है वैसे, इसलिए हमारे यहाँ इस संक्रांत को मनाते हैं। और जो नई फसल होती है ना, जैसे कणक, उसको पिसा के उसका भी बनाते हैं। तो हमारा तो तैयार नहीं हुआ था, छोड़ा तो था, लेकिन फिर भी मैंने बोला पुराने आटे से ही बना देते हैं, मतलब पुरानी कणक से जो है आटा। फिर वो जिस दिन हम चढ़ाएंगे उसको, ये इधर हमारे रिवाज है, जब भी नया अनाज निकलता है तो मतलब भगवान को चढ़ाते हैं। तो इस तरह से वो तो संडे तक चढ़ाएंगे शायद, क्योंकि हमारे बाबा जी जो हैं वो संडे को ही चढ़ाते हैं, कढ़ाई कढ़ाई बोलते हैं हमारे यहाँ पे, वो संडे को चढ़ाएंगे। आज संक्रांत थी तो इसलिए हमने मतलब मैंने पूड़ियाँ बनाई, वैसे भी बना लेते हैं लेकिन आज मतलब बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते हैं ना कि त्योहारों का दिन है तो चलो कुछ बना लेना चाहिए। एक तो ऐसे बीमारी महामारी का रौला पड़ा हुआ है, हल्ला मचा हुआ है चारों तरफ। अब मैं पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें करूँगी ऐड, अच्छे से आटे को गूंद के।
पानी खत्म हो गया हर जगह में, तो मैं कैंपर से पानी लेने गई। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के, ज़्यादा गीला नहीं करना है मतलब आटा। अच्छे से मिला के और जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ ऐसे ही मतलब एक दूसरे की हेल्प किया कीजिए, मैं भी करती हूँ। जो लोग जो जिन जिन की मुझे आती है रिक्वेस्ट, मैं भी उनको कमेंट आते हैं उनका मैं भी कर देती हूँ। अगर हम इसी तरह एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। आपको कैसा लगेगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए इस तरह से आटा मैंने इकट्ठा कर लिया। थोड़ा ज़ोर से गूंदो ना आटा तो मिलाओ मतलब, तो अच्छे सॉफ्ट अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए इस तरह से और आप सब क्या क्या करते हैं आजकल बताइएगा ज़रूर। इस लॉकडाउन की वजह से ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने अच्छे से गुना था। अगर आटा ना जोर से गुना जाए तो पूरियां बहुत अच्छी फुली फुली सी होती है ना। मैंने इसमें ईस्ट डाला है ना कुछ, बिना इसके ही ना सोडा डाला हुआ है, कुछ भी नहीं डाला हुआ है मतलब बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ नमक अजवाइन और तेल डाला हुआ था। बस ऐसे जरा थोड़ा सा ज़ोर से गूंदने से आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है और रोटियां अपने आप फूल जाती हैं। देखिए एकदम सॉफ्ट और अच्छे से बन गया था आटा सारा मेरा। थोड़ा सा तेल लगा के इस तरह से ये देखिए एकदम सॉफ्ट सा हो गया है पूरा। और अब इसको 10-15 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूंगी। तब तक आइए बनाते हैं आलू। इस तरह से साफ कपड़ा मैंने लिया है जो कि रोटी का ही है। हाँ जी तो देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है और तेल डाल दिया है उसमें इस तरह से। मैं आज इसमें ना प्याज डाल रही हूँ ना धनिया ना मेथी दाना, क्योंकि आलू जीरा में शायद ये सब नहीं डलता। डाल भी लें कोई वो नहीं, मैंने नहीं डाला। लेकिन मैंने जीरा डाला, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि आलू जीरा है तो जीरे का फ्लेवर ज़्यादा आना चाहिए। और हींग, हल्दी, गरम मसाला,
धनिया पाउडर और नमक स्वादानुसार। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं अगर आपने बनाना होगा तो। और ये डाली मैंने कस्तूरी मेथी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और सब्जी बहुत ही स्वाद बनती है। और मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला था इसमें, थोड़ा सा मसालों को भून लूँगी। ये देखिए मसाले हो चुके हैं। और अब मैं आलू डाल दूँगी जो मैंने पहले से ही काट रखे थे बॉईल करके, ये देखिए इस तरह से। और अच्छे से इसको मिक्स करके, ये देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करके अब मैं लगा दूंगी इसको ढक्कन। और पूरियां बनाने की करती हूँ तैयारियाँ। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई सब्जी। आपको कैसी लगेगी मेरी रेसिपी बताइएगा ज़रूर। ये देखिए ऐसे थोड़ी देर इसको पकने दूंगी। और आटा मैंने तो थोड़ा सा आटे को मसल लूंगी। और कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और हरा धनिया डाल रही हूँ सब्जी में, क्योंकि सब्जी मेरी अब हो गई है। ये देखिए आलू ऑयल में पूरे भुन गए थे अच्छे से। ये देखिए अब कर दी मैंने गैस बंद सब्जी वाली, हरा धनिया डाल के। हरे धनिया का भी बहुत अच्छा स्वाद होता है। ये देखिए और अब मैं करूँगी आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट, थोड़ा सा और मसल लूँगी क्योंकि ऑयल डाल के थोड़ा सा तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है फिर अच्छे से। यहाँ पे ना मेरा स्पेस थोड़ा कम है, शेल्फ थोड़ी छोटी है तो साइड में ही रखी है मैंने परात थोड़ा। अच्छे से आटे को मैंने मिक्स कर लिया था। और इस तरह से अच्छे से। और है मेरे पास फिर पूरी बनाने वाला है स्टैंड, उस पे बनाई थी मैंने तो बड़ी अच्छी बनती है उस पे गोल गोल। ये वाला है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ता है नहीं तो चिपक जाती है। लोई में भी थोड़ा सा ऑयल लगाना चाहिए। इस तरह से मैंने कटोरी में डाला था ऑयल यहाँ पे, और ऐसे हाथ से दबाने से बस बड़ी अच्छे से पूरी बन जाती है। ये देखिए छोटी सी बनती है ऐसे। मैंने पहले साइड में परात में सारी बना के रख ली थी और फिर बाद में मैंने बनाई। बहुत अच्छी बन रही थी, मतलब फुली फुली बिना इससे। आटे को थोड़ा सा ज़ोर से गूंदना चाहिए और थोड़ी देर मतलब 10-15 मिनट ढक के रख के तो अपने आप आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट बन जाता है। ये देखिए इस तरह से तेल अब गर्म हो चुका है और मैंने इसमें डाल दी पूरी।
इस तरह से दो दो करके मैंने निकाली है, क्योंकि बड़ी कढ़ाई में सब्जी थी तो छोटी वाली डाली, बड़ी वाली में तो मैं तीन चार चार भी निकाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा ना, ये पोनी पोनी से, पोनी बोलते हैं हम इसको, झारना भी बोलते हैं अपनी भाषा में, इधर कांगड़ा वाले बोलते हैं पोनी। इससे थोड़ा सा दबाने से ना रोटी अपने आप ही फूल जाती है, मतलब चाहे वो भटूरा हो या पूरी हो। ये देखिए इस तरह से तो हल्का सा दबाने से बस अपने आप ऐसे भी फूल रही थी मेरे वाली तो। ये देखिए बहुत अच्छी लगी थी, मैंने तो नहीं खाई, मैं आपको पता है मैं तली हुई चीज़ें नहीं खाती, लेकिन डैडी इन्होंने खाई थी और मेरे बेटे ने, सुबह उठते ही खुश हो गया, आज मम्मा क्या बना रही है। आजकल घर में ही है तो स्कूल जाने का तो नाम भूल गए हैं बच्चे भी लॉकडाउन की वजह से। और पढ़ाई का नाम भी नहीं लेते हैं, ज़बरदस्ती होमवर्क करवाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। वैसे तो सबका ही बहुत नुकसान हो रहा है इस बीमारी की वजह से, लेकिन बच्चों का ज़्यादा है, क्योंकि जो बच्चे टीचरों से समझते हैं वो हमारे पास कहाँ समझते हैं घर में। इधर तो ये होता है बस जो दिया वही करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, और जो होमवर्क आया वही करना है बस, उसके आगे एक अक्षर नहीं लिखना है। तो ये हाल है यहाँ घर में रह के बच्चों के। और पता क्या बोलते हैं कि मैं अपने बेटे को बोल रही थी एक दो दिन पहले की बात है कि स्कूल जाना है सुबह, जल्दी सो जाओ, तो कहता अभी तो कर्फ्यू लगा है, जब कर्फ्यू हटेगा तभी स्कूल खुलेगा, ऐसे नहीं खुलने वाला है, आप झूठ बोल रहे हो। तो बच्चे भी आजकल इधर उधर से बातें सुन के ना बहुत चालाक हो गए हैं। पढ़ाई का है बहुत ज़्यादा हाल खराब, भगवान करे जल्दी से इस बीमारी से निजात मिल जाए और सब कुछ वैसे हो जाए जैसा पहले था। ये देखिए इस तरह से बनी थी मेरी रोटियां, भैया आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जो जो देखेंगे वीडियो, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कमेंट ज़रूर करना, और सब्सक्राइब भी करना, लाइक कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो। ये देखिए इस तरह से सब्सक्राइब जरूर करना और देखना भी वीडियो प्लीज, जरूर बताना मुझे जो लोग सब्सक्राइब करेंगे तो, कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं भी आपका चैनल सब्सक्राइब कर सकूं। और जिन लोगों ने भी किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब उनका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बार बार बोलती हूँ शायद रिपीट हो जाए कुछ तो उसके लिए सॉरी। और कल आऊँगी एक और रेसिपी लेके आपके साथ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और मैं भी आप लोगों को करूँगी जो जो। ये देखिए इस तरह से टोकरी में डाली थी मैंने, क्योंकि ऑयल होता है इसलिए अखबार रखी हुई थी। ये देखिए इस तरह से एकदम टेस्टी क्रिस्पी बनी थी, ये देखिए ऐसे कैसी लग, ये देखिए कितने अच्छे से बनाने के कितनी देर बाद भी कितने अच्छे से फूली फूली हैं। और ये रही सब्जी, आपको कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ये देखिए ऐसे ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके कि आपको कैसी लगी सब्ज़ी। ये देखिए कितनी अच्छी से सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी।